हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं हमें एक एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें थाली और गिलास की ज़रूरत होगी। इस तरीके की एक थाली की दोस्तों, इस तरीके के एक गिलास की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे यहाँ पर। दोस्तों, इस तरीके से रख देंगे और दोस्तों इतनी तेज़ी से चिपक जाएगा दोस्तों, ये इस पर चाहे जितना भार रख दो ये दोस्तों छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का पेज लेना और इस तरीके से मोड़ लेना, जिस तरीके से मैंने मोड़ा है इसी तरीके से आप लोगों को मोड़ लेना। इसके बाद दूसरे जिस तरीके से मैं मोड़ रहा हूँ उसी तरीके से मोड़ के इसे इस तरीके से काट लेना है। अच्छा दोस्तों, इस तरीके से काट लेने के बाद इसके दोस्तों चारों इसे दोस्तों इस तरीके से खोलना है। उसके बाद इसके चारों कोनों को इस तरीके से काट लेना, जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ उस तरीके से गोल। इसके बाद ये दोस्तों इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पानी लेना है इस तरीके से और इस पर डाल देना है, जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ उसी तरीके से आपको पूरे पेज पे पानी डाल देना है और इसे इस तरीके से रगड़ देना है। इसके बाद इसे आप लोगों को थाली में रखना है। इसे दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को थाली में रख देना है, जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ इसे दोस्तों इस तरीके से दबा देना है। इसके बाद आप लोगों को कोई भी पेपर लेना, उसे इस तरीके से मोड़ के बीचों बीच में रख देना है। और इसके बाद इसमें आप लोगों को आग लगा देनी है। मैं इसमें आग लगा लेता हूँ, इस तरीके से मैं इसमें आग लगा लेता हूँ। इसमें आग लगाने के बाद आप लोगों को गिलास लेना है दोस्तों, इस तरीके से इसमें कस के प्रेस करना है। तो इसके बाद दोस्तों बहुत तेज़ी से इसमें चिपक जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसे उठा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे उठा लिया है। अब दोस्तों मैं इसे वापस उड़ाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं छूट नहीं रहा है दोस्तों, काफ़ी दम लगाने के बाद ये छूटता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा धुआं भरा था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैंने इस नई वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।